हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस का, जो कि सैमसंग गैलेक्सी S सीरीज़ का फ्लैगशिप डिवाइस है। दोस्तों बॉक्स काफ़ी सिंपल है, सिर्फ लिखा गया है S10 प्लस। और दोस्तों जो बॉक्स के ऊपर जो प्राइसिंग कोट किया गया है वो है 79,000 का, पर दोस्तों आपको ये फ़ोन 73,900 में मिल जाता है रिटेल स्टोर्स और ऑनलाइन स्टोर्स में। दोस्तों बॉक्स के पीछे का जो प्रिंट क्वालिटी है वो बहुत चीप लग रहा है, लग ही नहीं रहा है क्विक फ्लैगशिप डिवाइस का प्रिंटिंग क्वालिटी कैसे लग नहीं रहा है। और दोस्तों ये 128 GB वेरियंट का है इसका, और दो वेरियंट आता है 512 GB का, और 1 TB इंटरनल वेरियंट स्टोरेज का वेरियंट भी आता है। 1 TB का जो स्टोरेज जो आता है उसका रैम होता है 12 GB का। और दोस्तों बॉक्स के पीछे कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं, और नीचे सिर्फ लिखा गया है इंडियन सिम कार्ड्स ओनली और कुछ डिक्लेरेशंस हैं। तो दोस्तों हम जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं हमें बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। दोस्तों बॉक्स में सबसे पहले आपको डिवाइस मिलता है और काफ़ी प्रीमियम लग रहा है डिवाइस होल्ड करने में। बाय द वे मेरे पास है वाइट कलर। और उसके बाद हमें ट्रैवल अडाप्टर मिलता है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको रेटिंग दिखा दूँ। दोस्तों जो रेटिंग है वो है 5 वोल्ट एट 2 एम्प्स, तो बेसिकली एक फास्ट चार्जर है। उसके बाद हमें मिलता है एक टाइप सी से USB का कनेक्टर, और ये कुछ बहुत अच्छे पैकेजिंग में एक चीज़ है, खोलने में पता चलेगा क्या है। तो गाइस बेसिकली ये डेटा केबल है टाइप सी का, और बाय द वे बहुत अच्छे से पैकेजिंग हुआ था, वो लगा कि कुछ सोने का खजाना निकलेगा उसके अंदर से। और दोस्तों यहाँ पे आपको मिल रहा है 1 kg का हेडफोन्स मिल रहे हैं, और मैं इसको जल्दी से खोल के आपको दिखाता हूँ। दोस्तों जो केबल है वो ब्रेडेड केबल है, तो लॉन्ग लास्टिंग के लिए बहुत अच्छा है, तो सैमसंग ने ये एक चीज़ अच्छा किया है। और बॉक्स में कुछ नहीं है, और यहाँ पे ऊपर की तरफ हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं और सिम इंजेक्शन टूल और एक क्विक स्टार्ट गाइड है। और ये एक सैमसंग ने अच्छा चीज़ किया है, इस बार फ़ोन को अपने फुली लोडेड दे रहा है, तो यहाँ पे केस भी दे रहा है, और जो फ़ोन है वो प्री अप्लाइड आता है स्क्रीन प्रोटेक्टर के साथ, जो कि सैमसंग ने बहुत अच्छा किया है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा 8 स्क्रीन के लिए ढूंढने के लिए स्क्रीन प्रोटेक्टर कितना मुश्किल होता है। और दोस्तों ये एक सॉफ्ट TPU कवर है फाइबर। अभी जल्दी से चलते हैं हम डिवाइस की तरफ। तो गाइस ये है हमारा डिवाइस, और मैंने ये वाइट कलर में लिया है, और ये ब्लू कलर में भी आता है, ब्लैक कलर में भी आता है। तो दोस्तों जो पहला इम्प्रेशन है वो काफ़ी अच्छा है, पकड़ने में डिवाइस बहुत प्रीमियम फील कर रहा है, बहुत प्रीमियम फील हो रहा है। और उसके बाद इसका जो स्क्रीन साइज़ है वो 6.4 इंच का है, पर बिल्कुल लग नहीं रहा है ये इतना बड़ा इसका स्क्रीन साइज़ है। तो एक हैंड वन हैंड ऑपरेशन के लिए डिवाइस पूरा परफेक्ट है। तो आप जैसे देख सकते हैं मैं हाथ घुमा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, सिर्फ ऊपर के पार्ट में पहुँचने में थोड़ा प्रॉब्लम है। फिर भी दोस्तों 6.4 इंच के लिए जो डायमेंशन सैमसंग ने किया है वो बहुत अच्छा है, और फ़ोन का जो डिस्प्ले है और कैमरे के ऊपर खास डिटेल दिया है सैमसंग ने। तो दोस्तों पहले मैं आपको फिज़िकल ओवरव्यू दे देता हूँ फ़ोन का। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है 6.4 इंच का डायनामिक AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो कि क्वाड HD प्लस रिजोल्यूशन में आता है। और दोस्तों ऊपर की तरफ आपको मिलता है एक नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन मिलता है, और यहाँ पे आपको सिम ट्रे मिलता है। मैं जल्दी से आपको सिम ट्रे खोल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
कुछ रबर पैड्स लगे हैं फॉर दैट वाटर प्रूफिंग के लिए रबर पैड्स लगे हैं। और दोस्तों ये हाइब्रिड सिम स्लॉट है, तो यहाँ पे आइदर आप दो सिम यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप एक मेमोरी कार्ड और एक सिम कार्ड यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों मैं बता दूँ, ये फ़ोन जो है एक्सपेंडेबल अप टू 512 GB है। दोस्तों ये साइड में आपको मिलता है वॉल्यूम रॉकर मिलता है और बिक्सपी बटन मिलता है, और नीचे की तरफ आपको मिलता है 3.5 हेडफोन जैक मिलता है, 3.5 mm का हेडफोन जैक, टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिलता है। और दोस्तों यहाँ पे बॉटम स्पीकर आपको मिलते हैं, और मैं बता दूँ ये स्टीरियो स्पीकर डिवाइस है, तो यहाँ ऊपर की तरफ भी स्पीकर है और नीचे की तरफ भी स्पीकर है। और दोस्तों ये साइड में आपको मिलता है पावर बटन मिलता है। दोस्तों पीछे की तरफ आपको यहाँ पे सैमसंग ब्रांडिंग मिलता है, और यहाँ पे ट्रिपल कैमरास मिलते हैं। और मैं बता दूँ यहाँ पे आपको 12 MP का टेलीफोटो लेंस मिलता है, और एक 12 MP का वाइड एंगल लेंस मिलता है, और एक 16 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है। और दोस्तों यहाँ पे आपको LED फ्लैश में मिलता है, और जो साइड में है ये एल्यूमिनियम फ्रेम है इसका। और दोस्तों कैमरे के बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि सैमसंग ने काफ़ी डिटेल दिया है कैमरे के बारे में, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। सामने की तरफ आपको 10 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है, और एक 8 MP का RGB डेप्थ सेंसर कैमरा मिलता है। तो दोस्तों अभी जल्दी से हम बूट करते हैं डिवाइस को, पर उससे पहले मैं जल्दी से आपको स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ इस डिवाइस का। तो गाइस अभी टाइम है फर्स्ट बूट करने का, और फोन ने मुझे हैप्टिक फीडबैक दिया। तो गाइज़ अभी हम पहुंच गए हैं फ़ोन लॉक ऑप्शंस चूज़ करने के लिए, और यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा फिंगरप्रिंट, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है मैं बता दूँ, ये फ़ोन जो है इसमें इन डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर है, तो जो स्कैनर जो है वो फ़ोन के अंदर है। तो अभी हम ट्राई करेंगे और देखेंगे ये कितना अच्छा से और एफिशेंटली वर्क करता है। और दोस्तों अभी है रजिस्टर करने का खुद का फिंगरप्रिंट, और देखते हैं ये कैसे काम करता है। और गाइस मैं जितना देख रहा हूँ ये जनरल फिजिकल बटन जैसा ही काम कर रहा है इसका, थोड़ा रीड करने में थोड़ा टाइम लगा रहा है, फिर भी एक नया टेक्नोलॉजी के हिसाब से अच्छा है। तो मैंने अपना फिंगरप्रिंट ऐड कर दिया है। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं अपने होम स्क्रीन पे, और सैमसंग का वन UI काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी सिंपल है यूज़ करने में। दोस्तों अभी हम बूट कर चुके हैं होम स्क्रीन पे, तो अभी मैं बताता हूँ आपको इसके स्क्रीन के बारे में, क्योंकि तभी फ़ोन ऑफ था तो अब आपको पता नहीं चलता इतना। तो दोस्तों इसका जो स्क्रीन है वो है होल पंच डिस्प्ले, जिसको सैमसंग बुलाता है इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले, क्योंकि एच टू एच है, 6.4 इंच एच टू एच डिस्प्ले है, क्वाड एच डी प्लस रिजोल्यूशन का। और मैं एक सेटिंग्स खोलता हूँ, या वाइट बैकग्राउंड वाला कुछ एक चीज़ खोलता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कैमरा कटआउट है वो कुछ प्रिसाइसली लेजर कट है, तो इसके साथ घूम के ही, मतलब कैमरे को कट करके उसके साथ घूम के स्क्रीन है, तो इसको हम बोलते हैं होल पंच डिस्प्ले बोलते हैं इसको, और जो कि एच टू एच है तो सैमसंग इसको बुलाता है इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले। और दोस्तों काफ़ी डिटेल दिया है सैमसंग ने डिस्प्ले के ऊपर, तो अभी हम चेक करते हैं हमें 128 GB जो इंटरनल स्टोरेज है उसमें से हमें कितना मिलता है फ्री। और मैं अभी डिवाइस केयर में गया, और दोस्तों यहाँ पे मैंने जितना एक ग्लिम्स देखा तो अवेलेबल स्पेस जो है वो है 108 GB, यानी कि 128 GB से आपको 108 GB फ्री मिल रहा है। और हम अभी चेक करते हैं ये कौन सा वर्सन एंड्रॉयड रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। और दोस्तों मैं बता दूँ फ़ोन ऑन करते ही मुझे ऑलरेडी एक अपडेट नोटिफिकेशन मिल चुका है, सॉफ्टवेयर अपडेट नोटिफिकेशन, तो अभी हम देखते हैं आउट ऑफ द बॉक्स कौन सा सॉफ्टवेयर रन करता है। तो
दोस्तों आउट ऑफ द बॉक्स ये एंड्रॉयड वर्जन रन कर रहा है एंड्रॉयड 9 और वन यूआई वर्जन रन कर रहा है 1.1। और अभी हम जल्दी से एक स्नैप लेते हैं क्योंकि आपको पता है ये एक फ्लैगशिप डिवाइस है तो कैमरा का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, तो मैं जल्दी से एक स्नैप लेता हूँ। सो गाइस, स्नैप लेने के लिए मैंने सैमसंग का ही ईयरफोन चुना है। सो एक क्विक स्नैप हम लेते हैं और देखते हैं कैसा आ रहा है फोटो इसमें। तो दोस्तों फोटो काफ़ी अच्छा आ रहा है और आप देख सकते हैं जो डिटेल शाइनिंग सरफेस है जो AKG ईयरफोन्स के ऊपर वो भी काफ़ी अच्छे से रजिस्टर हुआ है, तो काफ़ी अच्छा फ़ोटोज़ आ रहे हैं फ़ोन में। अब मैं वैसे भी सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ इसके कैमरे के ऊपर। और गाइस अभी ट्राई करते हैं इसके जो इन डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर ये कितना अच्छा से वर्क करता है, तो वो ट्राई करते हैं। तो काफ़ी जल्दी खुल गया। तो एक एक जगह पे मैं मार्क कर रहा हूँ, मिस हो रहा है। दोस्तों बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो दोस्तों कुछ कुछ टाइम मिस हो रहा है, कुछ कुछ टाइम ठीक चल रहा है। सो मुझे लग रहा है ये नया टेक्नोलॉजी है तो थोड़ा मेन स्ट्रीम यानी कि एक्टिव होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी मैंने जितना ट्राई किया उसमें से अराउंड 50% टाइम फेल हो रहा है, 50% टाइम ठीक चल रहा है। सो अभी कुछ बता नहीं सकते इसके बारे में। सो देखा, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी फेल हुआ, अभी काम किया। सो दोस्तों मुझे लग रहा है इसको मतलब पूरा मेन स्ट्रीम होने में थोड़ा टाइम लगेगा, पूरा एफिशिएंट होने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। तो दोस्तों ये था हमारा अनबॉक्सिंग वीडियो गैलेक्सी S10 प्लस का। अगर आपको इस डिवाइस के बारे में कुछ भी क्वेश्चन है आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड आई विल कैच यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।